All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Remaining students join the class quick fast. Okay. So let's start the lecture. So I will share the screen now. Okay, in previous class we have to study about the AM, okay, amplitude modulation definition, expression of amplitude modulation waveform, theek hai, and next we have to study about the low pass signal is the band limited to Bhz, band pass signal, and another definition is AM is that लो पास सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द बैंड पास सिग्नल, ये अपन ने कल स्टडी करा, ठीक है। आज अपन स्टडी करेंगे एक और टाइप का एएम है, दैट इज द डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। इन प्रीवियस क्लास वी हैव टू स्टडी अबाउट द डबल साइड बैंड double side band full carrier ये AM है, that is the AM AM है first type का AM, ठीक है। ये अभी तक अपन स्टडी कर रहे हैं। इसमें AM का एक्सप्रेशन अपन ने कैसे लिया था कि VAM of T इज इक्वल्स टू VC cos of ωCT, okay, next the plus ये वाला एक्सप्रेशन मैंने देखा था लास्ट क्लास में, दिस वन Vm/2 cos of Vm/2 cos of ωC minus ωmT minus Vm/2 cos of ωC plus ωmT, ठीक है। इस तरह का ये एक्सप्रेशन कौन से वाले लास्ट अपन ने AM स्टडी करा, AM है डबल साइड बैंड फुल कैरियर। डबल साइड बैंड फुल कैरियर क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म क्या है, कैरियर, दैट इज द टर्म ऑफ That is the carrier term, ठीक है, carrier. Here is the LSB lower side band. And this one is the upper side band. Upper side band. ठीक है, there are the three terms. कैरियर, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। कैरियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कौन सा फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है, ओमेगा सी का कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट कौन सा है,
omega c minus omega m. Omega c minus omega m. और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कौन सा टर्म है? ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम. ठीक है, ओके. सो दिस टाइप ऑफ ए एम अपन ने स्टडी करी, डेफिनेशन ऑफ ए एम के रेस्पेक्टिव, कि डबल साइडमैन फुल कैरियर ए एम. अब अपन स्टडी करेंगे दूसरे टाइप का एएम है, सेकंड टाइप के एएम में देखें अपन. तो दैट इज द डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर. डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर. एंड इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन इसमें? जैसे अपन ने लिया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया, जैसे एम ऑफ टी लिया, ठीक है, एम ऑफ टी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया, ठीक है. कैरियर लिया अपन ने, कैरियर सिग्नल ले लिया अपन ने कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, ठीक है. मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसे आया इसमें? मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज एम ऑफ टी M of t is simply multiply with the cos of omega c t. That is the modulated signal. ठीक है, वेवफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें इसका वेवफॉर्म प्लॉट करें तो वेवफॉर्म किस तरह से आएगा इसका? के सिंपली और वे इसके डायग्राम बनाया अपन, तो एम ऑफ टी सिंपली लिया अपन ने, हियर इज द एम ऑफ टी, ओके, सिंपली गिवन टू द मल्टीप्लायर, ओके. एनोदर इनपुट इज कैरियर पार्ट, ठीक है, एंड द फाइनली आउटपुट विल बी द क्या
this one. इस तरह से दिस वन इज द मल्टीप्लायर. सिंपली दिस वन इज द मल्टीप्लायर. तो मल्टीप्लायर में दो इनपुट दिए, एक इनपुट दिया एम ऑफ टी, दूसरा कैरियर सिग्नल, फाइनली आउटपुट अपने पास क्या आ गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल. दिस इज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एम ऑफ टी मल्टीप्लाइड कॉस ऑफ ओमेगा सी टी. अच्छा अब जैसे नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में एक बार और अपन ने देखा था, जब ए एम वेव फॉर्म को अपन प्लॉट कर रहे हैं, है ना, तो इसका स्पेक्ट्रम किस फॉर्मेशन में आएगा, इसका स्पेक्ट्रम किस तरह से अपन ले रहे थे, जैसे यहाँ देखें अपन, इसका स्पेक्ट्रम अपन ने कल ही डिस्कशन किया था, इसमें इसका स्पेक्ट्रम अपन प्लॉट कर रहे हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल का. तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का अपन जैसे सिंपली अपन ने लिया ये एम ऑफ जी ओमेगा, ओमेगा हियर इज द, हियर इज द ओमेगा एम माइनस ओमेगा एम. ये एक्चुअली क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म. हियर इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा सी टी का क्या आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म इम्पल्स की फॉर्म में है. ये अपन ने कल देखा था, यह फोरियर अपन इम्पल्स का अपन निकाले हैं, ये कोई कंटिन्यूस कॉस ऑफ ओमेगा सी टी का है, तो ये किस फॉर्म में आता है, इम्पल्स की फॉर्म में. इसका अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म लें कैरियर सिग्नल का, कैरियर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो किस फॉर्म में आता है, ये इस तरह से आएगा, सी ऑफ जे ओमेगा, हियर इज द ओमेगा, देयर इज द इम्पल्सेस, एक इम्पल्स इस तरह से आएगी, एक इम्पल्स यहां पे आएगी, मैग्नीट्यूड इज फाइव, है ना, दिस इज द ओमेगा सी, this is the minus omega c. ठीक है, और फाइनल अपने पास क्या आया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये वाला पार्ट आया है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो कैसे आएगा, क्योंकि सारा का सारा एनालिसिस इसमें करना है अपने को फ्रिक्वेंसी डोमेन में, तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस कब पॉसिबल है, जब अपन उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तभी पता पड़ेगा कि उसके कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी वाले डोमेन में कहां कहां प्रेजेंट है. इसलिए फोरियर ट्रांसफॉर्म और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का एनालिसिस मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट. जब भी अपन अगर आरटीयू एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई क्वेश्चन के एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द वर्किंग ऑफ डबल साइडमेंट सप्रेस कैरियर ए एम, तो ये वेवफॉर्म बनानी है, वेवफॉर्म के साथ ये स्पेक्ट्रम जरूर प्लॉट करने, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्पेक्ट्रम जरूर आप प्लॉट करके उनको बताना है एग्जामिनर. इस केस में अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आएगा, इसका दैट इज द वी एम ऑफ
जे ओमेगा हियर इज द टू स्पेक्ट्रम डबल साइड बैंड बनाना है तो एक बैंड ये बनेगा और एक बैंड इधर बनेगा ठीक है हियर इज द सेंटर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा सी दिस वन बैंड इज द omega c plus omega m here is the omega c minus omega m ठीक है ये इस तरह से इसको प्लॉट कर देना है तो दो साइड बैंड दिख रहे हैं इसमें एक है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम सेंटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी और दूसरा है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इसको नेगेटिव साइड में भी प्लॉट कर सकते हैं स्पेक्ट्रम को वही जब फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो माइनस ओमेगा से प्लस लिमिट रहती है फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो नेगेटिवली अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव रिप्रेजेंट नेगेटिव साइड में रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे दिस वन और ये नेगेटिव वन ये माइनस और ये माइनस इस तरह से नेगेटिव वैल्यूज में रिप्रेजेंट ठीक है तो ये इसका स्पेक्ट्रम बना अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात चीज क्या है इसमें इसमें केवल दो साइड बैंड है देर इज द टू साइड बैंड देर इज ओनली द टू साइड बैंड्स देयर इज द टू साइड बैंड्स अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड ठीक है दो साइड बैंड कंसीडर कर रहे हैं कि अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड पर इसमें कोई भी उसका कंपोनेंट नहीं है कैरियर का जैसे इसमें तो अपन देख रहे थे कि दो साइड बैंड थे जब अपन फर्स्ट वाला केस देखें एएम का डबल साइड बैंड फुल कैरियर वाले केस में जिसमें क्या है कैरियर वाला कंपोनेंट भी प्रेजेंट तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है मतलब कैरियर वाला कंपोनेंट भी प्रेजेंट है और ये अपने लोअर साइड बैंड वाला कंपोनेंट भी प्रेजेंट है और अपर साइड वाला वाली बैंड भी मतलब ये है दो साइड बैंड और कैरियर यानी डबल साइड बैंड फुल कैरियर बट इस केस में क्या आ रहा है ये डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर कैरियर को सप्रेस कर रहा है मतलब कैरियर की कोई इंडिविजुअल टर्म नहीं भेज रहे जैसे वीसी कॉस ओमेगा सी टी पिछली बार थी ने इसके साथ कहां है वीसी कॉस ओमेगा सी टी केवल दो एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया एक कैरियर सिग्नल लिया सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया कोई कैरियर की इंडिविजुअल टर्म कोई नहीं दिखाई दे रही होगी इसमें आपको नहीं है? जैसे ये वाली जो टर्म है जैसे mt cos of omega ct है तो ये क्या है मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ठीक है इसने दो साइड बैंड देंगे एक जैसे जैसे mt की जगह अपन ले लें mt की जगह अपन ले लें कंसीडर करें cos of जैसे ले लिया अपन ने cos of cos of omega mt ठीक है तो फाइनल क्या बना था ये वाला एक्सप्रेशन था अपने तो ये वाली टर्म कैसे रिप्रेजेंट होगी इस तरह से mt into cos of omega ct फिर अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं this one and this one ठीक है इस तरह से इसको represent कर सकते हैं so finally ये क्या बन के आएगा फिर ये आया
ये ले लिया ये cos ऑफ ओमेगा एम टी एंड cos ऑफ ओमेगा सी टी, तो फाइनली ये cos a cos b का फॉर्मूला बना। cos a cos b वाले फॉर्मूले को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। किस तरह से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब यहाँ वी एम तो है नहीं, तो वी एम की जगह तो क्या लिखेंगे अपन, दैट इज द हियर इज द 1/2 एंड 1/2। तो कॉस ए कॉस भी, ये कॉस ए कॉस, कॉस ए कॉस भी लिया, और ये अपने पास टर्म आई दो दो एल दो साइड बैंड आए केवल एलएसबी और यूएसबी साइड बैंड, पर कैरियर का कोई कंपोनेंट नहीं। आप जैसे इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूं डबल साइड बैंड फुल कैरियर, तो जो पहली टर्म थी बीसी कॉस ऑफ ओमेगा सीटी, बाकी दोनों तो वही है, पहली जो टर्म थी बीसी कॉस ऑफ ओमेगा सीटी वो यहां से रिमूव हो गए क्योंकि एम ऑफ टी की जगह अपन कोई कॉस ऑफ ओमेगा एम लिया, तो ये वाली टर्म आई डबल साइड बैंड कैरियर को रिमूव कर दिया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है बेटा, कि अब माइंड में दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये कैरियर हटाया ही क्यों, कैरियर के हटाने से कोई प्रॉब्लम है क्या? तो इसका रीजन क्या रहेगा कि एक्चुअली होता क्या है, भेजना क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था ना, तो कोई पर्सन है, पर्सन को अपने को भीलवाड़ा से चित्तौड़ भेजना है, या सिग्नल है उसको भीलवाड़ा के ट्रांसमीटर से चित्तौड़ के रिसीवर भेजना है, तो एक्चुअली भेजना क्या है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब कैरियर के फॉर्म में अपन उसको क्या दे देते हैं, बाइक दे देते हैं, तो पर्सन फटाफट पहुंच जाएगा भीलवाड़ा से, जब बाइक मिलेगी तो बाइक के साथ वो पर्सन क्या है भीलवाड़ा से चित्तौड़ फास्ट पहुंच जाएगा। पर हमारा पर्पज एक्चुअली क्या था, पर्सन को भेजना ना कि बाइक को भेजना, समझ रहे मेरी बात। तो होगा क्या कि अपन इसलिए केवल बाइक तो उसका हेल्पिंग हैंड है, भेजना क्या है पर्सन को भेजना, और पर्सन एक्चुअली क्या है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन क्या है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो जिस कंपोनेंट में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ना वो ही काम का है अपना। अब जैसे इस वाले जो डबल साइड बैंड फुल कैरियर, इसमें ओमेगा एम की कोई टर्म नहीं है, तो ये कोई काम का नहीं है मेरे लिए। काम की कौन सी वाली टर्म है, ये वाली, क्योंकि यहाँ ओमेगा एम प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ भी ओमेगा एम प्रेजेंट है, तो ये दो टर्म मेरे काम की है, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को ही काम में लेके अपन क्या है जो इंफॉर्मेशन भेजी है उसको एक्सट्रैक्ट भी तो करना है मॉड्यूलेटेड सिग्नल से, है ना। जो मेन जो भेजने वाली इंफॉर्मेशन अपन क्या पर्पसली चाहते थे कि ओमेगा एम और वी एम वाली जो इंफॉर्मेशन है वो सेंड और वो वहां जाके रिसीव हो, तो फाइनली इसी पार्ट से तो अपन ओमेगा एम या उसको एक्सटेंड कर पाएंगे और उसको सुन पाएंगे इंफॉर्मेशन या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को। सो दैट्स वाई जो कैरियर है उसको भेजने से कोई फायदा नहीं है, मतलब ये कैरियर वाले कंपोनेंट भेजने से और एक्स्ट्रा अपनी एनर्जी वेस्ट होगी, जबकि भेजने मेन अपने को ये दो पार्ट है जहाँ ओमेगा एम प्रेजेंट है, जहाँ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। सो दैट्स वाई वी हैव टू यूजिंग द डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, द कैरियर को सप्रेस करना इसलिए एसेंशियल है कि वो और एनर्जी वेस्ट करेगा अपनी। ठीक है, तो ये इसके पीछे पर्पज ये रहता है कि भाई अपन कैरियर सिग्नल में जो कहके होगा कि आप जैसे तीन टर्म है, एक कैरियर वाली टर्म हो गई, एक अपर साइड बैंड वाली टर्म होगी, एक लोअर साइड बैंड वाली टर्म हो गई, ठीक है। पहले में कैरियर वाला पार्ट पड़ा हुआ है, दूसरे वाले एलएसबी में इन कैरियर और इंफॉर्मेशन दोनों का मिक्सअप पड़ा हुआ है, अपर साइड बैंड में भी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम यानी कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मिक्सअप पड़ा हुआ है। अपन तीनों को भेजें जैसे, तो कितना, जैसे इसके लिए 40% अपन ने पावर रिक्वायरमेंट है कैरियर को भेजने के लिए, इसके लिए 30%, इसके लिए 30%, तो 30 और 30, 60 और 40, 100%। पर अगर अपन इस कैरियर को हटा दें, इसको भेजें ही नहीं अपन, कोई जरूरत ही नहीं है, डबल साइड में सप्रेस कैरियर वाला एएम ले लें, तो उस केस में अपने 40% तो अपन ने पावर बचा ली इसको, और इसको भेजने का कोई पर्पज तो है नहीं, इसको भेजने का कोई सेंस नहीं है। भेजने एक्चुअली क्या, ये वाली चीज चाहिए जहाँ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिस टर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो जैसे ये वाली में इसमें ओमेगा एम प्रेजेंट है, इसमें ओमेगा एम प्रेजेंट है, दोनों टर्म में है ना ओमेगा एम, ये देखो ये वाला ओमेगा, ये ओमेगा, तो यही तो इंफॉर्मेशन है, और इसी का एनालिसिस करना है, इसी को ट्रांसमिट करना है, सारा काम ही इस पे करना है अपने को, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते।
तो वहां अपन जैसे 30-30% करें तो यहाँ 60% की पावर की जरूरत रही, तो पावर को सेव कर लिया अपन ने सप्रेस कैरियर करते, ये इसका एडवांटेज रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का एएम है, एक एडवांटेज है, मतलब एक अपग्रेड हुए अपन एक एएम से दूसरे में। जब जो फर्स्ट वाला एएम का टाइप था वो था जिसमें अपन देख रहे थे कि दैट इज अ डबल साइडमैन फुल कैरियर, दूसरे वाले पार्ट में अपन ने क्या देखा कि कैरियर को भेजो ही मत। साइंटिस्ट है, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि कैरियर को भेजने से हमें ज्यादा पावर का कंजप्शन हो रहा है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट लग रही है। कोई भी कंपोनेंट है आप उसको अगर भेजोगे ट्रांसमीटर से रिसीवर को, तो ऑब्वियसली बात है कि वो कुछ ना कुछ पावर की तो रिक्वायरमेंट रहेगी, तो पावर को सेविंग करना है, इसलिए उन्होंने क्या करा कि भाई कैरियर वाला पार्ट ही हटा दो, कैरियर की जरूरत ही नहीं। तो इस तरह से ये सेकंड वाला पार्ट है, एग्जाम में भी कई बार ये आ जाता है, डबल साइडमैन सप्रेस कैरियर एएम एनालिसिस। कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई इश्यू हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो मैं अटेंडेंस लेता हूँ आप लोगों की। आरु नामा प्रेजेंट सर। अनुजा प्रेजेंट सर। कर्नेल प्रेजेंट सर। संतोष प्रेजेंट सर। अर्पित प्रेजेंट सर। गौरव प्रेजेंट सर। मुस्कान प्रेजेंट सर। नील प्रेजेंट सर। संतोष प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा, है ना, तो इसको देखना। और कोई इशू हो, वैसे तो सिंपल ही है जैसा मैंने समझाया ना, तो होप सो आप लोगों की ये समझ में आ जाएगा। और इसका मैं वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा, तो और वीडियो पढ़ना और इसके नोट्स को स्टडी करना है ना जो गूगल क्लासरूम पे दे रखे हैं। और कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कशन करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।